बारह आठ बीस यहाँ करना है, प्लस नौ चार तेरह यहाँ होता है, और चार दो छ होता है, तीन दो पाँच होता है। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। अब जोड़ घटाओ गुणा सब बन गया, तो उसके बाद हम कहेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड जीरो एंड नल मैट्रिक्स। तो जीरो किस, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो जो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट शून्य आ जाए उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसका आमने सामने का एलिमेंट बराबर आ जाए उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब कहते हैं रो मैट्रिक्स किससे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो रो और कॉलम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो रो को जो रहेगा उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे दो तीन चार रहेगा, इसको बोल देगा कि क्या कहेंगे, कहीं जो है वास्तविक में हम वो बताएंगे, तो यह रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स को बताएंगे। अगर हमें पूछ दिया कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम का मतलब ही होता है सीधा स्तंभ की ओर, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ज़्यादा हिचकिचाने का जरूरत ना है, मैं अगला वीडियो में सारा बताऊंगा। तो बस आज इतना ही, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सुपर राहुल कुमार सुपर स्टार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी को दबा दें ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।